श्रीमा वेकनाथार्य कविताकिकसरी वेदाताचार्यवे सन्निधत्ता सदा आज हम बीसवा श्लोक श्रीस्तुति में देखने जा रहे हैं सेदेवी त्रिदश महिमिमालार्चिताक्षेत्र शमितपदा संपदा पादपद्म

संपदा पादपद्मषतिशिसा यापयि शरीर वितमसी पदे वासुदेव से इस प्रवचन को सुनने वाले में दो तीन प्रकार के लोग हो सकते हैं एक सामान्यतः अर्थ समझने के लिए कोशिश करने वाले एक प्रत्येक शब्द का को अर्थ का अर्थ समझने के लिए प्रयत्न करने वाले ही, और एक उसमें रहने वाला सूक्ष्मांश को भी समझने के लिए तत्पर है ऐसा तीन प्रकार और इसके अलावा और उत्कृष्ट व्याख्यान की अपेक्षा रखने वाले ऐसा भी हो सकते हैं इन सबकी मनोरथ की, की पूर्ति करना है इसी उद्देश्य से यह व्याख्यान प्रस्तुत हो रहा है हे देवी ऐसा संबोधन है पादपद्मम ऐसा इस शब्द के लिए कुछ विशेषण है पादपद आपका जो चरणारविंद है ये किस प्रकार की चीज है देवादशा यानी देवलोक देवता लोक इंद्रादी देवताएं उनकी पत्नियां उनकी पत्नियां जब अपने सिर को चरणारविंद में रखकर प्रणाम करते हैं तब उसके मौली में रहने वाला माला से इनका लक्ष्मी जी का चरणारविंद अर्चित हो जाती है वैसे अनेक प्रकार की अर्चना विधि में अपने सिर पे मौली में पहना हुआ माला को भी लक्ष्मी जी के चरणारविंद का स्पर्श करवाना एक प्रकार का अर्चन है और सिर को चरणारविंद में रखना ही एक बहुत सुंदर सेवा है और अपनी धन्यता का कारण बन जाता है ऐसी हालत में सामान्यतः पुष्पों से अर्चना करने के बदले में पुष्पों को अपने सिर पर रखकर उन पुष्पों से अर्चना करना अर्थात देवताओं के मौली में स्थित जो मालाएं हैं सरक सृक है माला है उससे अर्चित है आपका चरणारविंद ऐसा मौली मालार्चितम त्रिदश महिला मौली मालार्चितम त्रिदशा देवाहा उनकी पत्नियां महिला त्रिदश महिला मौली उनके सिर में रहने वाला किरीट माला उसमें पहनी हुई पहनाया गया गई पहनाई गई माला है उस माला से अर्चित ते चरणारविंदम ते ऐसा अन्वय करना है ते शब्द है उसमें ते यानी लक्ष्मी जी को बुलाकर देवी ते पादपद त्रिदश महिला मौली मालार्चित पादपद्मपद सिद्धि क्षेत्र शमित विपद आपत्तिया पहले दूर होना है आपत्तियाँ दूर होने के बाद ही सिद्धियाँ प्राप्त हो सकते हैं और सिद्धि यानी क्या है संपत्तियाँ प्राप्त करना अर्थात संपत्तियाँ तब तक नहीं प्राप्त होंगे जब तक आपत्तियाँ रहते हैं इसलिए ये चरणारविंद क्या करता है शमित विपदां संपदा पादप संपदां सिद्धि क्षेत्रम अर्थात चरणारविंद एक ही दो काम कर देती है अर्थात एक काम उनकी विपत्तियों को दूर कर देती है प्रणाम करने वालों की विपत्तियों को दूर कर देती है और उनकी संपत्तियों को भी प्रदान कर देता है इसलिए संपत्तियों का सिद्धि क्षेत्र भी बन जाता है शमित विपदाम जब तक विपत्तियां शमित नहीं होता है शांत नहीं होता है तब तक कैसे संभावना है संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए इसलिए पहले शमित विपदाम शब्द का प्रयोग किया है शमित विपदाम पुरुषाणाम वे वो दिव्य देवताएं हो सकते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं उनका उनके लिए संपत्तियों का एक सिद्धिस्थान है जहाँ पहुँचने के बाद संपत्तियाँ मिल जाते हैं ऐसा ते चरणारविंदम ते पादपद्म अर्थात दो विशेषण है एक विशेषण है त्रिदश महिला मौलिमालार्चितम ऐसा एक समस्त दिव्य समस्त पद है वो पादा पद्म के लिए विशेषण है और शमित विपदाम संपदा सिद्धि क्षेत्र विशेषण है हैविंद में थोड़ा सा भी नमित शिश जो सिर झुका के चलते हैं अर्थात जो उनके चरणारविंद के सामने सिर झुकाते हैं उनको इतनी इतना बड़ा फल मिल जाता है क्या मिलता है शरीरम यापयित्वा इस शरीर को अच्छी तरह यहाँ यापन करके इस देह यात्रा को निर्वहन करके यापयित्वा शरीरम अर्थात हमारे प्रारब्ध कर्म का अवसान तक तो हमें इधर रहना पड़ेगा और लक्ष्मी जी की प्रपत्ति करने से प्रारब्धेतर पूर्व पापम अखिलम और उत्तर पाप भी सब नष्ट हो जाते हैं और एकमात्र प्रारब्ध कर्मा रहता है इसलिए इधर कहते हैं शरीरम यापयित्वा शरीरम बाद में क्या होने वाला है ये धन्य इस प्रकार के लोग अर्थात पुण्यशाली लोग वासुदेवस्य वितमसी पदे वर्तिष्यंते वासुदेवस्य लक्ष्मी जी की सेवा करने वाले लक्ष्मी जी के सामने चरणारविंद के सामने सिर झुकाने वालों को लक्ष्मी जी की आज्ञा को उल्लंघन करने में असमर्थ भगवान से प्रदत्त मोक्ष को पाते हैं वे लोग हमारी प्रार्थना भी भगवती और भगवान के सामने ऐसा ही रहता है कि पहले श्री प्रपत्ति करके आचार्य के द्वारा भगवत प्रपत्ति की जाती है एक एक चेतन का उस चेतन का उज्जीवन करने के लिए उपायांतर नहीं है ऐसी भावना से महाविश्वास के साथ आत्मनिक्षेप करना चाहिए अर्थात हम पहले आत्मा मेरा है ऐसी भावना से रहे हैं नहीं नहीं ये आत्मा आपकी ही है ऐसा चोर जिस प्रकार अपने भगवान से चुराया गया नूपुर को वापस देगा ऐसा हम लोग अपने आत्मा को उनके चरणारविंद में फिर से सौंपना है क्योंकि हम चोरी किए हैं आत्मा आत्मा अपहरण किए हैं ये आत्मा मेरा है ऐसी भावना से रहे हैं इसलिए उसे करने के बाद <coughs> परवासुदेव जो भगवान विष्णु हैं श्री वैकुंठ में विराजमान हैं उनके विमसी पदे तमस परस्ता ऐसा वेद जिसे कहता है ऐसा श्री वैकुंठ है और जो तमस रजस इत्यादि से वर्जित केवल शुद्ध सत्वमय देश है और ऊपरी ऊपर अनंत है इतना बड़ा विस्तृत है त्रिपाद विभूति जिसे कहते हैं एकपाद विभूति ये प्रकृति मंडल है त्रिपाद विभूति भगवान का और त्रिपाद विभूति कहने से उसका अंत है ऐसा नहीं समझ लेना वो अनंत है ऊपर उस वैकुंठ में वर्तिष्यंते अर्थात यहाँ शरीर का यापन करने के बाद वहां रहने वाले हैं ऐसा फ्यूचर टेंस का एक्सप्रेशन है भविष्य काल का एक्सप्रेशन है इसलिए भविष्यत्व जैसा वर्तिष्यंते का प्रयोग है इसलिए लक्ष्मी जी के दिव्य चरणारविंद में नमन करने वालों के लिए इतना बड़ा फल कहा गया है मीठा फल कहा गया है फिर से जन्म लेने की आवश्यकता जैसे न होता है और भगवती लक्ष्मी जी की और भगवान लक्ष्मी जी विष्णु का स्थान प्राप्त हो जाता है वासुदेव से विमसी पदे वर्तिष्यंते धन्य यापयि शरीर वो भी बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया गया है ये फल हम लोगों को सबको प्राप्त हो जाए उसके उसका उपाय रूपी हम लक्ष्मी जी की प्रपत्ति और भगवत प्रपत्ति अवश्य करेंगे आचार्य के जरिए आचार्यों से प्रार्थना कीजिए अपने अपने आचार्यों से प्रार्थना कीजिए और वे ये प्रपत्ति का अनुष्ठान करवाएंगे जिससे आप सबकी सबको संपत्ति मिल सके सेवे देवि मौलिमालार्चितं ते सिद्धिक्षेत्रं शमितविपदां संपदां पादपद्मं यस्मिन्नीषन्नमितशिरसो यापयित्वा शरीरं वर्तिष्यन्ते वितमसि पदे वासुदेवस्य धन्याः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदान्तगुरवे नमः